अरे भाई साहब, गुड न्यूज है, गुड न्यूज आप सबके लिए। गुड न्यूज है, एनएसपी स्कॉलरशिप में जिनका ब्रैंक शो हो रहा था उनका मेरिट लिस्ट में सिलेक्शन दोबारा यस होना स्टार्ट हो चुका है। इसका प्रूफ मैं आपको कम्युनिटी टाइम में दे दिया था, दोबारा इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ। और देखते रहिए वीडियो कम्प्लीट एंड तक। किनका हुआ है, उन्होंने क्या किया था वो भी आपको बताऊंगा। मैं जैसा मैंने बोला था कि मेरिट लिस्ट का जो ब्लैंक है वो यस या नो हो सकता है, और कई बंदों का यस हुआ है आज। जी हाँ, आप सही सुने, यस हुआ है, तो उसका प्रमाण इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। और जिन जिन बंदों का कल तक आधा वेरीफाइड पहले यस था, नो हो गया था, आज वो प्रॉब्लम सही हो चुकी है। मैंने सुबह एक वीडियो बनाया था, यूट्यूब ने नोटिफिकेशन आप सबको नहीं भेजा है मुझे पता है, लेकिन उसका जो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा वो देख लेना। उसमें कई बंदों का नो हो गया था, लेकिन अब वो प्रॉब्लम भी सॉल्व हो चुकी है, वो सबका यस आ चुका है। अब दोबारा एप्लीकेशन फाइल वेरीफाइड, इसके बारे में कंप्लीट वीडियो रहेगा। मेरिट लिस्ट में सिलेक्शन कैसे हुआ इसका पूरा वीडियो समझेंगे इस वीडियो में कंप्लीट। एंड तक देखिए, चैनल बनाए चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए स्टार्ट करते बिना कोई टाइम वेस्ट के, लेट्स स्टार्ट। तो अब इस बंदे का एक बार देख लीजिए, इस बंदे का पहले एक बार स्टेटस देख लीजिए, जिन्होंने मुझे इंस्टाग्राम में डीएम किया था। आज ही इंस्टाग्राम में इन्होंने डीएम किया था, आप देखिए इनका पहले का स्टेटस देख लीजिए। एप्लीकेशन फाइल वेरीफाइड बाय मिनिस्ट्री शो कर रहा है, और मेरिट लिस्ट में सिलेक्शन ब्लैंक है, मेरिट लिस्ट में सिलेक्शन ब्लैंक है, और यूजीसी टॉप रैंक होल्डर का बंदा है। इसका मेरिट लिस्ट आप देख लीजिए, मेरिट लिस्ट सिलेक्शन यस हो चुका है, पहले ब्लैंक था अब यस हो चुका है। और आधार कार्ड देख सकते हैं इसका, यस हो चुका है, ठीक है। तो आप लोगों से यही उम्मीद है, मैं जैसे बोल रहा हूँ कि वैसा ही हो रहा है, क्योंकि देखो मेरिट लिस्ट में सिलेक्शन मैंने आपको पहले ही बोला है कि अभी भी आपका मेरिट लिस्ट आया नहीं है, ठीक है। तो आपके चांसेस क्रिएट है, अगर आपकी परसेंटेज अच्छी खासी है, मैं ये नहीं बोलूंगा कि सबका हो जाएगा जिसका ब्लैंक शो हुआ है, लेकिन ये मैं कहना चाहूँगा जिसकी परसेंटेज अच्छी है, जिनका लगता है कि हाँ हो सकता है, कोटा के हिसाब से हो सकता है, तो उनका होके रहेगा, क्योंकि अभी भी चांस है, क्योंकि जो पीडीएफ है अभी आपके एनएसपी स्कॉलरशिप की वेबसाइट में नहीं आया है। तो चांस यही है कि अभी भी अंडरगोइंग चल रहा है मेरिट लिस्ट का प्रोसेस बनना धीरे धीरे करके, तो आपका भी चांस है, आपका भी हो जाएगा। इस बंदे का सेंड टू पीएफ है, वो जल्द हो जाएगा, और टोकन नंबर इसको वो जल्द मिलने वाला है। अगर आप लोगों का मेरिट लिस्ट सिलेक्शन नहीं हुआ, क्या दिखा रहा है वो आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं, और इंस्टाग्राम में डीएम कर सकते हैं। इंस्टाग्राम में अच्छे से पिक डालते रहता हूँ, वहां मुझे फॉलो करें, प्रॉब्लम बताएं स्क्रीनशॉट के साथ, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, और हो सके कॉमन प्रॉब्लम होगा तो मैं उसके बारे में वीडियो जरूर बनाऊंगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की।